अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको वाटर पंप, जिसे हम लाल पंप भी कहते हैं, उसे खोलने का तरीका बताते हैं, उसके इंपेलर और उसके जो उसका बाहर वाला डोम, वो आप किस तरह खोल सकते हैं, ये पेच है उनको पेल वगैरह अच्छी तरह भी दे दें और किसी गोटी की मदद से इसे ये खोलने शुरू करें। ये देखें, हमारे पास औजार होते हैं इसलिए आसानी से चीज़ खुल जाती है। अगर आप भी प्रॉपर औजारों से खोलेंगे तो आप भी आसानी से खोल सकते हैं। इसमें जंग वगैरह लगा हो तो या कोई चीज़ लगी हुई हो तो आप उसे पानी या आयल वगैरह लगा दें, या एक स्प्रे मिलती है जंग उतारने के लिए, वो ले लें, उससे खोल दें, वो लगाएंगे जंग वगैरह उतर जाएगा, तो आप आसानी से इसे खोल सकते हैं। ये देखिए, हम इसका लाल पंप का अगले वाला जो डोम है वो निकालेंगे। ये खोल रहे हैं, ये किसी चैनी या पेचकस की मदद से इसे अलहदा करेंगे। ये देखते हैं, थोड़ी थोड़ी चोट लगाया चैनी से और इसे तकरीबन बाहर निकाल लेंगे। ध्यान रहे कि इसके अंदर एक स्मोकर होता है और इंपेलर होता है, वो ख्याल से ये देखते हैं। ये रूम उसका उतर गया, ये कवर बिल्कुल, ये सिंगल इंपेलर पंप है। ये देखते हैं स्मोकर उसका, अब इसका स्मोकर खोलेंगे। ये स्मोकर में ये लगे पेच लगे हुए हैं, ब्रास के हों तो आसानी से खुल जाते हैं, अगर लोहे के हों तो वो बहुत मुश्किल से खुलते हैं। ये ब्रास के लगे हुए हैं, आसानी से ही खुल गए। ये देखो स्मोकर, प्लास्टिक का स्मोकर होता है, ये टूट भी जाता है चोट वगैरह लगाने से, ख्याल रखें। ये देखते हैं, ये ब्रास का इंपेलर है, सिंगल इंपेलर है, प्लास्टिक के भी आजकल तो आ रहे हैं। ये इंपेलर खोलने के लिए हमें पीछे से फैन का डोम वगैरह उतारेंगे और वहाँ से फैन उतार के किसी चीज़ से पकड़ेंगे तो हम इसका इंपेलर खोलेंगे। ये देखिए नीचे पेच लगा हुआ है इसके। आज हम आपको लाल पंप की सील के वगैरह बारे में बताएंगे, किस तरह डालते हैं बैरिंग, किस तरह डालते हैं और किस तरह खोलते हैं, आज आपको बताएंगे। ये तो ये मैंने फैन उतार दिया इसका, फैन उतारने के बाद ये देखिए एक फैन उतर गया, फैन उतर गया। ये हमने पाइप रैंच, अकेला आदमी है ना इसलिए ज़रा थोड़ी मुश्किल हो रही है, मूवी बनानी होती है और काम भी करना होता है, मुश्किल तो पेश आती है, लेकिन आप सही और वाजे दिखाया जा रहा है कि किस तरह खोला जाए पंप को। ये तो इसके नीचे कोई चीज़ रखें या ना रखें देखते हैं। चलो इस तरह लगा देते हैं इस पर, आप किसी की मदद भी ले सकते हो। मैं तो फिर ये देखें, ये आपने पहले खोल लिया, रिंग वगैरह डाल के, ये इसकी जो सील है तो इंपेलर में लगी होती है, तो हमारी जो सील है बिल्कुल ख़राब हो गई है, ये लीकिंग कर रहे थे, यहाँ से इसका स्प्रिंग भी कल गया, टूट गया। इसकी ये वजह बनी है कि इसका जो है चीनी है वो थोड़ी सी टेढ़ी होने की वजह से इस तरह हो। ये देखे नीचे देखे, पानी की वजह से ये सारा, ये सील की वजह से सारा पानी आ रहा है। ये हमारा प्रॉब्लम कम है।